भाइयों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय गौ माता। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक गुजरात के गिर के जंगल से, गिर सोमनाथ वाले एरिए से, बहुत ही शानदार हेवी गलकंबल, हेवी बॉडी स्ट्रक्चर और हेवी मिल्किंग वाली 20 लीटर पर डे मिल्क कैपेसिटी वाली गौ माता। और अभी ये मेरे पास प्रेजेंट टाइम में 18 लीटर दूध रेडी है इस गाय के। कोई भी भाई आके दूध निकाल के देख सकता है तीन टाइम तक। और इसके नीचे ये फीमेल काफ है टॉप ब्रीड की। और ये गौ माता अपने सेकंड लैक्टिशन में है। फर्स्ट लैक्टिशन में भी फीमेल काफ था और अभी सेकंड लैक्टिशन में भी इसके फीमेल काफ है। बच्चा लग गया। भयवी गलकंबल, छोटा सा फेस, गुंडीदार कान और बहुत ही अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर, हेवी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर 18 लीटर पर डे का दूध अभी रेडी है। कुल 5 दिन की जनी हुई है, ठीक है। और दूध की मिल्किंग वगैरह इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर है कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाऊँगा। इसके घूमने फिरने का वीडियो मैं और डाल दूंगा। अब अपना भाई भी छोटा लग रहा है, इसके आगे देख लो कितना अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर है इस गाय का। मेला कंपटीशन फाइट कर ले एमपी का, इतनी हेवी बॉडी स्ट्रक्चर वाली गाय है। और बहुत ही अच्छा मुठिया थन है और बिल्कुल ईजी मिल्किंग है। नीचे फीमेल काफ है, टॉप ब्रीड की गौ माता है, टॉप ब्रीड की, गुजरात के गिर सोमनाथ के एरिया की है, पक्की ज़मीन की गौ माता है, कच्ची नहीं पड़ेगी, लंगड़ी नहीं चलेगी। मैं खुद देख के, खुद घूम के और 6000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद परचेज की है मैंने। किसी व्यापारी से फ़ोन पे मंगाई हुई गौ माता नहीं है, जो कि प्रेग्नेंट भी नहीं निकले, खाली निकल जाए, जो क्या पता क्या खिलाते थे, क्या करते थे। मैं हर चीज़ बता दूंगा कि ये क्या क्या चीज़ खाती है, कैसे कैसे रहती है। आप कोई भाई आके दूध नापना चाहते हैं तो आके दूध भी नाप सकते हैं, और कोई भाई फ़ोन के ऊपर मंगाएगा तो मेरी फुल जिम्मेदारी अपनी गाड़ी आएगी और इसको छोड़ के चली जाएगी। फुल जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक बंधवाने की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत ही हेवी बॉडी स्ट्रक्चर में टॉप की एडर में, थोड़ा मिल्किंग के समय से पहले इसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को भी कहीं जाना है और कोई गाड़ी भी लोड करनी है, इसलिए। नहीं तो आप मिल्किंग के टाइम पे देखो तो हेडर से चला नहीं जाएगा इसे, इतनी गजब की हेडर क्वालिटी है। और फीमेल काप है और हम्प देखो आप इसका, कितना बड़ा हम्प है, सूर्य केतु नाड़ी अपन जिसको बोलते हैं, बहुत ही शानदार हम्प है। और दूध वाली गौ माता है, मिल्किंग वाली गौ माता है, नीचे टॉप क्वालिटी की फीमेल काप है। देखो आप, मैं आपको दिखाता हूँ कान बच्ची के, ठीक है। ये गुजरात के गिर के जंगल की टॉप ब्लड लाइन की, देखो बच्ची कबरी बछड़ी है, देखो आप, ये देखो कितनी प्यारी बच्ची है। वही वही दुवारी करके दिखाएगा, अपनी जगह पे लाएगा, देखो आप। ये मिल्किंग का वीडियो है, आप मिल्किंग देखें पूरी। देखो आप बच्ची के कान, देखो कान प्योरिटी, देखो बच्ची की कलर में कबरी है जिसकी आजकल डिमांड है। देखो कब, देखो नला लटक रहा है बच्ची के, आप देख सकते हैं। देखो आप बच्ची के कान प्योरिटी, देखो बच्ची की, बिल्कुल ये है गिर की ब्यूटी, खूबसूरत बच्ची, ब्रीडिंग पर्पज की बच्ची, दूध वाली माँ की बच्ची है। हाँ बाल्टी खाली दिखा, ठीक है, तो इसकी जगह पे ले ले यार, यहाँ दूध नहीं निकला तो अपनी जगह पे लोग आएगा।
इसके क्या गाड़ी में आई जो हल्का हल्का सा क्या वो जो छिलना बोलते हैं, छिले भी नहीं है, हल्के हल्के से मतलब बारीक बारीक से चारे से जो कुरच जाते हैं थन, वो कुरच गए। बाल्टी खाली दिखा दी आपको, अब इसकी मिल्किंग स्टार्ट की है और एक साइड में बच्ची दूध पी रही है और बिना पैर बांधे दूध निकाल के दिखा रहे हैं, जबकि पैर भी बंधवाती है गोमाता, लेकिन आपको बिना पैर बांधे दूध निकाल के दिखा रहे हैं। अक्को हट के दिखा दियो, बाद में पैर बांधे हुए नहीं है, है ना, लास्ट में आपको दिखा देंगे पैर बंधे हुए नहीं है, बिना पैर बांधे मिल्किंग कर रहे हैं। और गाय के अपनी जगह पे ही मिल्किंग करवाना चाहती है जहाँ अपनी प्रॉपर। हाँ हाँ चला, तू तो चला दू, इसमें थन वन नहीं दिख रहे कि भाई तू कौन सो की दिखा रहा है। चारों थनों की मिल्किंग में आपको दिखा दूंगा अभी खड़ा होके, पहले थोड़ी सी मिल्किंग हो जाए। फीमेल काफ है नीचे, हेवी बॉडी स्ट्रक्चर की गोमाता है, हेवी मिल्किंग वाली गोमाता है और बड़ा लंबा सफ़र करके आई है, ठीक है ना, थोड़ी बहुत थकान भी रहती है इतने लंबे सफ़र की। मिल्किंग में इतनी अच्छी है कि कोई हरियाणा पंजाब का बंदा इसके नीचे बैठ जाए तो उठे ही नहीं, इतनी गजब की मिल्किंग है। वो थन पकड़े पकड़े ही बोले सौदा कर, ऐसे ही मैंने किया था इसका सौदा, बस इसकी मिल्किंग देखी दिमाग ख़राब हो गया गाय का। मैंने कहा नहीं भाई ये गाय तो लेने की है, बहुत शानदार मिल्किंग है गाय की। बाल्टी आपको खाली दिखाई थी, खाली दिखा के मिल्किंग स्टार्ट की थी, आप नो टेंशन आके यहाँ आके भी दूध नाप सकते हैं, ठीक है। और अभी कीला ही है, हाँ 5 दिन की ब्याई भी होगी अभी भी कीला। आज सुबह चेक करा था ना, बच्ची साथ में पी रही है, ठीक है। थोड़ा सा गाड़ी में हल्के फुल्के कट लग जाते हैं थनों के, और मैं इसलिए आप लोगों को खुले पैर करके मिल्किंग दिखा रहा हूँ, नहीं तो गाय पैर भी बंधवाती है, क्योंकि ये हिलेगी तो आप सोचोगे कि पैर बांध रखा फिर भी हिल रही है, लेकिन इसके थनों के लगी है थोड़ी बहुत। देखो मिल्किंग बहुत शानदार है इस गोमाता की, और मिल्किंग करते ही जो एडर है ना वो ख़त्म हो जानी चाहिए, वही गाय दूध वाली होती है, ठीक है ना, दूध निकला एडर ख़त्म हो जानी चाहिए पूरी। गल कंबल देखो आप कितना हैवी गल कंबल है, पानी का जग रख दो इतना मोटा सर है, हाइट पर्सनैलिटी बहुत ऊंची पूरी है। एक थन बच्ची कंटिन्यू वीडियो में आपको पता है पी रही है, 3 थन का ही दूध निकाल रहे हैं, ठीक है। जिसको दूध वाली गाय बोलते हैं ना, जिसको मिल्किंग वाली गाय बोलते हैं, ओरिजिनल मिल्किंग वाली गाय है, इसको बोलते हैं गाय मिल्किंग वाली, ठीक है ना। और भी गाय गोमाता हैं अपने पास, सभी सेल के लिए 15 से 16 गायें अवेलेबल है। यदि और भी आपको मेरे वीडियो देखने हैं तो व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज करते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि भैया और गायों के वीडियो भेजें तो मैं उनके भी वीडियो आपको सेंड कर दूंगा। पैर बंधे हुए नहीं है, खुले पैरों में ही मिल्किंग कर रहे हैं, ठीक है।
गाय अपने मोबाइल के फ्रेम में नहीं आ रही, ऊपर से लेता हूँ तो नीचे से कट जाती है, नीचे से लेता हूँ ऊपर से कट जाती है, हाइट ज्यादा है ना गाय की। एक थन को हाथ भी नहीं लगाया, एक थन बच्ची पी रही है कंटिन्यू, तीन थनों का दूध निकाल के दिखा रहे हैं आपको। उस थन की भी ये बच्ची वाले थन की धार है, ठीक है ना। कोई धार फटना या छर्रा या दूध दूध निकालने में कोई मिस्टेक आना कुछ भी नहीं है, चारों थन बिल्कुल साफ है। और मैं खुद पैसे देके खरीद के लाया हूँ तो पहले मैं साफ सुथरी गाय देख के ही लाता हूँ, ठीक है। इतने किलोमीटर चलने के बाद, थकान होने के बाद भी देखो आप, ये 12 लीटर की बाल्टी है, ये बड़ी वाली बाल्टी है 12 लीटर की, ठीक है ना। ये बड़ी वाली बाल्टी है, मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ। अक्कू लेके हाथ में उठाइए, ये देखो ये बड़ी वाली बाल्टी है, ठीक है। और मैं दूध नापते हुए दिखाता हूँ, हमारे तो क्या ये दूध फट रहा है तो घोड़ियाँ ही पियेंगी। ये खाली बाल्टी है, हाँ खाली है, चलो आधा लीटर का नाप है, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और एक थन बच्ची को छोड़ दिया, ठीक है। एक थन पूरा बच्ची को छोड़ा है और ये देखो आप गाय की चमक। हाँ